हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जन इंग्लिश सेशन। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज डॉक्टर एस आर भार्गव, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एसोसिएट प्रोफेसर। टुडे इन द सेशन ऑफ ग्रामर आई वुड लाइक टू स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्रिहेंशन पेसेज के 5 लेसन्स तैयार किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी असाइनमेंट के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम दूसरा सेक्शन ग्रामर एंड यूसेज से रिलेटेड हैं उसको शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन व्हाट इज सेंटेंस। Sentence is a group of one or two clauses that has a complete sense. Sentence एक वाक्य है जो एक या दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है और उसका है सेंस कि वो कंप्लीट सेंस देता हो, पूर्ण अर्थ उसका देता हो। एक सेंटेंस में काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं। इस सेंटेंस में कंप्राइज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। एक सेंटेंस में 5 ग्रुप होते हैं, 5 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कर्ता। सेकंड वर्ब, क्रिया। थर्ड ऑब्जेक्ट, कर्म। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट, पूरक। एंड फिफ्थ एडवर्बियल, क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, He painted the window green yesterday. This is a sentence. How we classify it? इसको हम कैसे बांटते हैं? Subject, verb, object, complement, and adverb. He here is subject. Painted is verb. The window is object. Green is complement. Yesterday adverb. So the main problem is that we have studied elements of sentence, but how can we identify it? In examination, जो exam होती है, परीक्षा होती है, उसमें questions ये पूछा जा सकता है कि elements of sentence को आपको identify करना है। Identify the elements of sentence SVOCA in terms of the given sentences. आपको ये देखना है कि जो parts हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, यस्टरडे, अंडरलाइन करके उनके नीचे आपको मार्क करना है। सेकंड जो पैटर्न है एग्जाम में वो है कि यू हैव टू मेक सेंटेंसेस व्हाइल यूजिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एस वी ओ सी ए देकर आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा सकता है। सब्जेक्ट, फर्स्ट एलिमेंट। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी काम को करने के लिए जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट है, करता है जो काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट, ही इज द डूअर। वर्ब, वर्ब इज द डूइंग एक्टिविटी। इन द सेंटेंस पेंटेड इज ए वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय वर्ब। जैसे कि पता है ऑब्जेक्ट वर्ब से अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द विंडो इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज टू टाइप्स। जैसा कर्म के बारे में जानते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट। पूरक, कॉम्प्लीमेंट के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सही सही ढंग से पता नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब का तो स्टडी उनका ज़्यादातर हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट इज एन एडजेक्टिव दैट हैज कम इन द न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स ए टर्म दैट शोज द एडजेक्टिवल फीचर हैविंग क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कलर। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको क्वालिटी, गुण, विशेषता, क्वांटिटी, मात्रा एंड कलर या रंग
तीनों का, तीनों में से कोई एक का समावेश हो। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेंटेंस, ग्रीन इज ए कॉम्प्लीमेंट, ही पेंटेड द विंडो ग्रीन, हेयर ग्रीन इज कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इट क्वालिफाइज ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ कलर। सेकेंडली, कॉम्प्लीमेंट अकर्स आफ्टर ए हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाई एनी एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट को हम दूसरे ढंग से भी पहचान सकते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि वे इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आइदर इन प्रेजेंट और इन पास्ट, एवरी एडजेक्टिव इज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज एडवर्बियल्स। व्हाट आर एडवर्बियल्स? जैसे नाम से लगता है, एड प्लस वर्ब, वर्ब के साथ कुछ ऐड कर दिया जाता है। एडवर्ब इज एन एलिमेंट इन विच देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ब, किसी की वर्ब का विस्तार कर दिया जाता है। और दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है या फिर उसकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे यस्टरडे इज एन एडवर्ब। इन द अबव सेंटेंस द एग्जाम्पल वॉज, ही पेंटेड द विंडो ग्रीन यस्टरडे। उसमें जो यस्टरडे है वो इट्स ए टाइम, इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ब को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। वर्ब के फाइव टाइप्स होते हैं, दिस हैज फाइव टाइप्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। पांच प्रकार के एडवर्ब होते हैं, इसमें प्लेस, टाइम, रीजन, कॉज, मैनर, फ्रिक्वेंसी को बताया जाता है। एडवर्ब्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल्स में फिर लेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। इस टॉपिक में वंस अगेन हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एसवीओसी को एग्ज़ाम में किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे एक बिल्डिंग, एक मकान बनता है, उसकी फाउंडेशन काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए, कंक्रीट, ईंटें, पत्थर इत्यादि से बनती है, जस्ट लाइक द बिल्डिंग ऑफ ग्रामर, द बिल्डिंग ऑफ यूसेज। बिल्डिंग ऑफ यूसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन दिस सेंस वी से दैट एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस एक बैकबोन है, एक जैसे रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही एक मकान की जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। एवरी लैंग्वेज स्पीकर और ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग राइटिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर हैज़ टू नो, नीड्स टू नो द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर, दैट्स एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ ग्रामर इन विच वी हैव मैनी वर्ड्स, क्लोजेज एट्सेट्रा हैविंग कंप्लीट सेंस। सो डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज वेरी मस्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है। ए सेंटेंस नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ एडवर्बियल। ऐसा लगता है शुरू शुरू में सुन के स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें हम बहुत बचपन में पढ़ चुके होते हैं, बट वी हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन टू नो इट्स असेंस, टू कंटेंट इट्स कंटेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बारे में ये ओपिनियन होती है कि इट कम्स इन द अर्ली, इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट शुरू में आता है, मान लिया कर्ता के रूप में, काम करने वाला। बट वी आर वेरी श्योर दैट सब्जेक्ट कम्स इन द बिगनिंग, बट देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन विच सब्जेक्ट इज यूज
नॉट इन द बिगिनिंग बट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. इट्स ए मैटर ऑफ सरप्राइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड द स्नेक. उसने सांप को मारा. ही हेयर इज सब्जेक्ट. बट वट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस आई एम टेलिंग यू. हेयर कम्स ए बस. हेयर कम्स ए बस. देखना, बस जो लास्ट में वर्ड आया है दैट्स ए सब्जेक्ट. बिकॉज इन द बिगिनिंग हेयर इज एडवर्ब, कम्स इज ए वर्ब एंड बस इज ए सब्जेक्ट. सो इट्स ए वेरी ट्रिक वर्ब. आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब इज इम्पोर्टेंट. वर्ब एक ऐसी कनेक्शन है, एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है, जोड़ती है. सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि यह है डूअर ऑफ एन एक्शन है. लेकिन वर्ब क्या है? वर्ब इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी. एक कार्य करने की एक प्रोसेस है जो कि इसके बारे में बताया जाता है. थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं. इससे पहले हमने वर्ब के बारे में पढ़ा कि वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स होते हैं और प्रेजल वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. एंड वी हैव कोजिटिव वर्ब्स आल्सो, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. इसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जनरली नॉन लिविंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जस्ट लिविंग. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट पूरक है, एक सप्लीमेंट है. दैट कम्प्लीट्स और हैज़ ए सप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी के माध्यम से समझा जा सकता है. कॉम्प्लीट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव यूजिंग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. आई हैव गिवन ए सेंटेंस दैट हैज़ ही पेंटेड द विंडो ग्रीन यस्टरडे. यहाँ पे ही पेंटेड द विंडो ग्रीन यस्टरडे वी हैव डिस्क्राइब्ड वेरी वेल. ही सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब, द विंडो ऑब्जेक्ट, ग्रीन कॉम्प्लीमेंट, यस्टरडे एडवर्ब. सब्जेक्ट को हमने फिर डिफाइन किया कि सब्जेक्ट क्या है. द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट. द वर्ब, वर्ब इज द डूइंग एक्टिविटी. इन द सेंटेंस पेंटेड इज ए वर्ब. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय वर्ब. वर्ब जिस पे फर्क डाले, प्रभाव डाले. इन द सेंटेंस द विंडो इज एन ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट हैज़ टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने फिर देखा कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव फीचर्स को शो करता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर को. सेंटेंस में ग्रीन इज ए कॉम्प्लीमेंट. सेकेंडली, कॉम्प्लीमेंट अकर्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव. कॉम्प्लीमेंट वहाँ होता है जहाँ पे किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव आए. फॉर एग्जाम्पल, विंडो इज़ ब्यूटीफुल. विंडो को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ब्यूटीफुल माना गया है, इसलिए विंडो इज़ ब्यूटीफुल, इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हेयर इज कॉम्प्लीमेंट. एंड नेक्स्ट इज एडवर्बियल. एडवर्बियल के बारे में देखा कि यह एक्सटेंशन ऑफ वर्ब है. समथिंग इज एडेड, डिस्क्राइब्ड और क्वालिफाइड. सेंटेंस में यस्टरडे इज ए टाइमिंग, ए एडवर्ब ऑफ टाइम. ये फाइव टाइम्स के होते हैं जो प्लेस, टाइम, रीजन, कोज, मैनर, फ्रिक्वेंसी को शो करता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको लेंगे किस प्रकार से वन बाय वन एडवर्ब को डिफाइन किया जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. हम ये बता सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या है. एस, वी, ओ, सी, ई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब. वन बाय वन हमने एक एग्जांपल को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की. थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन एंड कीप ऑन लिसनिंग एंड वॉचिंग
माई वीडियो. थैंक्स.